हे गाइस, हाउ इज इट गोइंग। सो मेरा नाम है शुभम सुराना और आपका स्वागत है हमारे नए सीरीज़ में जिसका नाम है स्केट अगेन। गाइड ऐसा सीरीज़ है जिसमें हम लोग आपको हेल्प करेंगे स्केटबोर्डिंग के ए टू जी से, कहाँ से स्टार्ट करें और ट्रिक्स प्लस एनी ट्रिक टिप्स जो आपको बेटर करने में हेल्प करते हैं। डजन मैटर वो टेक्निक्स हो या मतलब ट्रिक टिप्स हो या ऐसी चीज़ हो जो बस थोड़े डिटेल में कि आप लोग को स्केटबोर्डिंग बहुत ईजी हो जाए। और हम लोग ये सीरीज़ हर फ्राइडे कंटिन्यू रखेंगे, हर फ्राइडे एक नया एपिसोड रहेगा। और आज के एपिसोड में आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक स्टेप्स फॉर स्केटबोर्डिंग। पहले तो कहाँ से बोर्ड ले, सेकेंड चीज़ कहाँ पे स्केट करें और थर्ड चीज़ कैसे स्केट करें, हम लोग आपको सिखाएंगे और होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तीन स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप हम कवर करेंगे स्केटबोर्ड्स कैसे ले। सो आप urbanmonkey.com पे जा सकते हो, अर्बन मंकी स्केटबोर्ड भी ले सकते हो जो आपके रीजनेबल प्राइस में भी आ जाएंगे। और आपको अगर प्रोग्रेसिव चाहिए तो आप इंटरनेशनल ब्रांच के लिए जा सकते हो जो सैकड़ा एक्सेट्रा है। तो और मेरा कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा स्केटबोर्ड पे। अगर आपके पास स्केटबोर्ड ऑलरेडी है तो आपको चाहिए रहेगा प्लेस टू स्केट। अभी प्लेस टू स्केट चूज़ करने के लिए आपको इम्पोर्टेंस रखनी है तीन चीज़ें, कि ज़्यादा स्पेस हो, ज़्यादा धूप ना हो और आप रात को भी वहाँ स्केट कर सको। तो स्टार्टिंग में हम कवर करेंगे तीन प्लेसेस जहाँ पे आप स्केट कर सकते हो। फर्स्ट होगा ऐसा ही कुछ बास्केटबॉल कोर्ट, आप आपके घर के पास कहीं भी आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा पब्लिक बास्केटबॉल कोर्ट, वहाँ पे आप जाके स्केट कर सकते हो एनी टाइम ऑफ द डे। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कोई एम्प्टी रोड देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती है, वहाँ पे आप जाके स्केट कर सकते हो। वो सबसे सिंपलेस्ट वे है, मैंने वैसे कुछ स्टार्ट किया था एम्प्टी रोड्स, सुबह जल्दी उठ के एम्प्टी रोड जाना या प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और अगर आपके पास ये दो चीज़ें अवेलेबल है पर थर्ड चीज़ विच इज़ अ स्केट पार्क, अगर आपके पास स्केट पार्क है तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप जाके सीधा स्केट पार्क में जा सकते हो और आपके ट्रिक्स और स्केटबोर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी वरी ऑफ व्हीकल्स और जो भी हो, गाड़ी वाड़ी जिसका भी कुछ टेंशन नहीं, आप जाके बस स्केट कर सकते हो और आपको कोई वहाँ पे कोई बोलेगा भी नहीं बिकॉज वो स्केटबोर्डिंग करने के लिए वो जगह बने। बेसिकली बैलेंस, कोर स्ट्रेंथ और एजिलिटी ये कवर करता है स्केटबोर्डिंग। हाउ टू राइड के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू पुश, हाउ टू स्टैंड ऑन द बोर्ड, यू नो बेसिक टर्न। सो ये फर्स्ट तीन स्टेप आप अगर एक हफ्ता प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट हफ्ते प्रॉब्ली आप कंफर्टेबल हो जाओगे आपके बोर्ड के साथ। अभी हम लोग डिटेल्स में जाएंगे हाउ टू राइड के। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो फुट सामने रखो, सामने रखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ओके दीज टू बोर्ड्स आर कवर्ड। आपको फिर सेकेंड स्टेप ऊपर रखना है। सो जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेप होगा फ्रंट फुट ऊपर जो आपका कंफर्टेबल है, सेकेंड स्टेप होगा आपका सेकेंड फुट ऑन द बोर्ड। और देखिए मेरा पोजीशन थोड़ा अलग रहेगा इसमें, तो थर्ड स्टेप होगा टर्निंग योर शोल्डर्स विद योर फ्रंट फुट। तो आपको वीडियो में दिख रहा ही होगा कि कैसे मैं तीन स्टेप में प्रॉपर पॉस्चर फॉर स्केटबोर्डिंग बैलेंस में ले रहा हूँ। तो ये प्रॉपर पॉस्चर कब आपने प्रैक्टिस कर लिया इनफ कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है ये बार बार विदाउट एनी एफर्ट करने, बिना कुछ एफर्ट डाले अगर आप ये कर पा रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, वो है रोलिंग। तो रोलिंग इज़ बेसिकली बोर्ड के साथ आगे बढ़ना और यही स्केटबोर्डिंग है एट द एंड ऑफ द डे, कोर स्केटबोर्डिंग का रोलिंग है। तो इन फर्स्ट थ्री स्टेप्स अगर आपने प्रैक्टिस किया, अगर फर्स्ट थ्री स्टेप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो रोलिंग में आपको सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है और यू आर गुड टू गो। सो सेकेंड स्टेप में हम लोग बस एक पुश ऐड करेंगे। तो आपको थ्री स्टेप्स तो रिमेंबर हो गए, ये सेम स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड करके आपको एक ऐड पुश करना है। तो इस वीडियो में देखिए कैसे मैं एक पुश का एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं एक पुश दूंगा। तो ये पुश का एग्जांपल और ये पुश प्रैक्टिस करना है आपको, एक पैर पे खड़ा होना भी प्रैक्टिस करना है बोर्ड पे, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा स्ट्रेस मत देना खुद को। और
धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आप अच्छे तो हो ही जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। अभी आप कर सकते हो थर्ड स्टेप विच इज़ टर्निंग। एक बार आप थोड़ा बहुत रोल कर लिए, वापस स्टेशनरी पोजिशन में आके आपको बस टोस पे वज़न डालना है, हील पे वज़न डालना है, टोस पे वज़न डालना है, हील पे वज़न डालना है। तो इस चीज़ को स्टेशनरी में करोगे ऑब्वियसली बोर्ड टर्न नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोलिंग में करोगे ये सेम चीज़, तो देखिए कैसे मेरा बोर्ड टर्न हो रहा है, और इसको बोलते हैं हम लोग टर्न। तो ये ट्रक से होता है, ट्रक्स के अंदर रहते हैं बुशिंग्स, उस पर डिपेंड करता है आपका बोर्ड कितना सेंसिटिवली टर्न होता है। वंस आपका टर्निंग प्रैक्टिस हो गया, आपका स्टैंडिंग अप रोलिंग टर्निंग प्रैक्टिस हो गया है, बढ़ते हैं स्केट पार्क एथिक्स पे। तो जैसे मैंने पहले बताया था स्केटबोर्ड प्लेसेस में कि स्केट अगर आपके पास पार्क रहेगा तो सबसे बेस्ट चीज़ है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको दिमाग में रख के स्केट करनी चाहिए। वो चीज़ है, पहली बात तो आपको साइड में रहना है जब भी आप नहीं स्केट कर रहे हो, स्केट पार्क के बीच में खड़ा बिल्कुल नहीं रहना। आप अगर आपके पेरेंट्स के साथ आए हो तो आप पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करो कि स्केट पार्क के बाहर बैठे हो, और आप भी अगर खड़े हो किसी ट्रिक के बारे में सोच रहे हो या पानी पी रहे हो जो भी हो, आप साइड में खड़े रहना है। सेकंड स्टेप होगा, तो अगर आप कुछ वैक्स कर रहे हो तो किसी को, अगर आपके साथ कोई स्केट कर रहा है उसको पूछ के वैक्स करना, या खुद के बोर्ड को वैक्स करके आप स्केट कर सकते हो, सिंपल। और थर्ड चीज़ होगी यू नो मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस। अगर पाँच से ज़्यादा लोग हैं स्केट पार्क में तो क्लैशेस होना बहुत कॉमन है, और क्लैशेस अवॉइड करने के लिए आपको बस आपके लाइन प्रिपेयर करके जाना है ऑलरेडी, लाइक यू नो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जाने वाले हो, कहाँ पे टर्न होने वाले हो, और मेक श्योर कि आपके पूरे सर्किट में या पूरे लाइन में कोई भी बीच में आने नहीं वाला हो। तो वो सबको देख के ही पता चलता है कि कौन कहाँ पे स्केट कर रहा है, क्या स्केट कर रहा है, उस पर डिपेंडेड आपका स्केटबोर्डिंग कर सकते हो, और उसमें इट्स अ कोऑपरेटिव वे फॉर एवरीवन। तो होपफुली आप चीज़ें सीखे हो ये वीडियो से, और होपफुली आप नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको हम लोग सिखाने वाले हैं हाउ टू ओली, और ओली से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्योंकि स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग है। तो इस चैनल पे ओनली स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग के ट्यूटोरियल्स और स्केट गाइडेंस मिलेगा, और इफ़ यू वांट होल स्केटबोर्डिंग हम लोग अर्बन मंकी के चैनल पे करने वाले हैं। इट्स गोना बी द सेम सीरीज इन अ डिफरेंट वे फॉर अर्बन मंकी। सो प्लीज आपको ये वीडियो हेल्प करता है आपके स्केटबोर्डिंग में, और आपको अगर स्केटबोर्डिंग स्टार्ट करना हो, आपका फर्स्ट एपिसोड हो चुका है, आप जाके राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं आपका स्केटबोर्डिंग, एंड ये स्टेप्स फॉलो करके आप एक या दो हफ्ते में मतलब प्रॉपर स्केटर बन जाओगे। उसके बाद आपको सिर्फ ट्रिक्स प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जगह कहाँ से बाय, तो आपको अभी तक सब पता होगा कहाँ से स्केटबोर्ड बाय करना है, कौन सी जगह पर स्केट करना है, कैसे राइड करना है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आप हमको, उसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू ओली, और वैसे वैसे हर एक एपिसोड में हम आपको हर एक ट्रिक के बारे में बताते जाएंगे एवरी फ्राइडे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब लीव अ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर यू नो अगेन, थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एट द एंड बाय नाउ।